हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ, ये मेरी पहली स्टोरी टाइम पे वीडियो है, तो थोड़ी लो होगी लेकिन चल जाएगा। तो चलिए, अपनी झुकी हुई पीठ को सीधा कीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। हर रोज की तरह मैं उठा, सब काम किए, लेकिन जब मैंने खाने के बाद अपनी सीढ़ी ऑन की, उसमें टूर्नामेंट चल रहे थे और सभी लोग अपने अपने टीम बना रहे थे। और उसी वक्त मुझे मैसेज आता है कॉलेबिलिटी के अंदर कि भाई, हमें टीम मेंबर की ज़रूरत है। मैंने भी सोचा चलो चला ही जाता हूँ, क्योंकि इनकी टीम पहले से ही बिल रही थी। और उन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मैंने भी अपना नंबर का योगदान कर दिया। और उस ग्रुप में एक लड़की थी, नॉर्मल खेलती थी मेरे साथ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी, वो हम ग्रुप में बात भी करते थे। वो मुझे एक दिन कॉल करती है, पापा ने देखा पर पापा कुछ बोले नहीं। तो ऐसे ही चलता गया। फिर कॉलेज के फिर आता है एक ब्रेक, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुकी थी, वैकेशन ख़त्म हो चुके थे। आपको तो पता ही होगा, कॉलेज लाइफ यानी बिजी पूरी लाइफ। और पता नहीं एक दिन मुझे क्या हुआ, 5-6 महीने के बाद मैं उस ग्रुप में जाता हूँ, वो ग्रुप में कोई मैसेज नहीं था। मुझे उस ग्रुप में लड़की का नंबर दिखा, मैंने उसको मैसेज किया, कैन बी अ फ्रेंड। लेकिन उसका मैसेज पूरे 4 घंटे बाद आता है, या तो मैं तो एकदम सोचल पड़ा, यार ये तो फ्रेंड बन गई, अब क्या होगा। हर रोज़ हम बात करते थे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। और हाँ, उसको बारिश बहुत पसंद है, यानी बारिश का ही सीज़न चल रहा था। और मैं उसको मेरे हॉस्टल से बारिश की फ़ोटो भेजता तो उसको ही पसंद आती, और वो मेरे को उसके गांव की फ़ोटो या उसके शहर की फ़ोटो भेजती तो मुझे भी बहुत। मैं उसको नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, वो जैसी थी वो वैसी थी, पर मेरे लिए वो मेरी फर्स्ट गर्ल। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले कौन